तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मित्र के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज देख सकते हो थंबनेल टाइटल के हिसाब से आज हम इसमें एक सर्किट लगाएंगे जो कि ये ब्लूटूथ सर्किट है। काफ़ी छोटा है और मार्केट में आप काफ़ी सस्ता है, 50 से 60 रुपये का सर्किट है। बीटी सर्किट तो आप 25 कर सकते हो इसे आराम से। तो आप पास से देख सकते हैं, ये 50 से 60 रुपये का सर्किट है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके कनेक्शन भी सिंपल हैं। ये हमारे 5 वोल्ट ग्राउंड हैं और ये एल आउट और ग्राउंड है। तो इसे हम किस तरीके से फिट करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, तो इस वीडियो में पूरा देखते हैं। आप बने रहें इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पसंद आए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो रख लेते हैं साइड, देख सकते हैं आप। ये है हमारा इंटेक्स का बूफर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बूफर है। तो उसमें आज ब्यूटी सर्किट लगा के दिखाएंगे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस आगे वाली बेस को हम पेच कस की मदद से निकाल लेते हैं। ये है हमारा पेच कस, इसके लॉक होते हैं कुछ। इन लॉकों को आप पेच कस की मदद से निकाल सकते हो। देख सकते हो आप, ये लॉक हमारे निकल चुके हैं। तो वीडियो को थोड़ा पास से दिखाना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हो, जैक को निकाल लेते हैं हम और करके दिखाते हैं इसके कनेक्शन। तो आप देख सकते हो, ये हैं हमारे जो ये जो 3 पॉइंट हैं हमारे, ये ऑक्स वाले पॉइंट हैं दोस्तों, जो कि हम इस वाले एल आउट में एल आर में लगाएंगे। देख सकते हैं आप। और तो सबसे पहले इन 5 वोल्ट कनेक्शन कर लेते हैं हम। इन 5 वोल्ट में लगा लेते हैं तार, जो हमारे पास वायर हैं। तो इस जैक और इन दो वायरों की मदद से करंट कनेक्शन। तो इस जैक को रख लेते हैं हम यहाँ पर। और इन तारों कर लेते हैं शोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से शोल्ड करना है शोल्डर आयरन की मदद से। देख सकते हैं आप, ये हमारे शोल्ड हो चुके हैं। और ऐसे ही हम जो हमारे ये 5 वोल्ट हैं इसके लगाएंगे। तो जो हमारे 5 वोल्ट जा रहे हैं यहाँ से इस वाले कार्ड पे, तो आप देख सकते हो ये प्रिंट के हिसाब से आए हुए हैं। तो रेड वाला आया हुआ है यहाँ और ब्लैक वाला तार यहाँ आया हुआ है। तो इन प्रिंटों पे शोल्ड कर लेते हैं 5 वोल्ट। देख सकते हो आप, तो ये हमारा येलो वायर, इसे शोल्ड कर लेते हैं। और इसी तरीके से लगा लेते हैं ग्रीन वाला वायर। तो हमारे 5 वोल्ट हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसी तरीके से हम कर लेते हैं एल आउट आर आउट में कर लेते हैं कनेक्शन। तो इन जैक को कर लेते हैं सिंपली बीच वाला तार बीच में और साइडों वाले तार लेफ्ट राइट साइड में कर लेते हैं इसे शोल्ड। आप काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इन तारों को भी शोल्ड कर लिया है। और जैक को लगाते हैं हम यहाँ पर और इस वाले जैक को भी लगा लेते हैं हम, जो हमारा ये वाला जैक है। और इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों। चेक करने से पहले से फिटिंग कर लेते हैं हम। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा बूफर बजने के लिए रेडी है, चेक होने के लिए रेडी है। तो उसके लिए हमें चाहिए वो दूसरा फ़ोन, और दूसरा फ़ोन से कर लेते हैं कनेक्ट। फ़ोन की मदद से हमारी ब्लूटूथ हमने खोल ली है। तो ब्लू सेक्शन में पहुंच चुके हैं हम। तो उसे सर्च कर लेते हैं हम, यहाँ से कर लेते हैं सर्च। ब्लूटूथ का नाम आ जाएगा लिख कर।
तो देख सकते हैं दोस्तों, उसका नाम आना चाहिए इस डिवाइस का नाम जो हमने लगाया है, चिप लगाई है उसका नाम लिख के आएगा। तो मेरे ख्याल से यही इसका नाम है, BT30BT, Crotel 30BT पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऑनलाइन कोई गाना लगा लेते हैं हम। तो यूट्यूब से कोई सॉन्ग प्ले कर लेते हैं हम, तो ऐसे ही प्ले कर लेते हैं हम। देखते हैं आप थोड़ा वॉल्यूम चीज से, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।